और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर, जिसमें कन्नौज रेप केस में एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। बेहद महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एसपी ने कहा है कि बुआ रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के संपर्क में 5-6 सालों से थी। जिस दिन वारदात हुई उस दिन भी दोनों के बीच कई बार बात हुई थी। बातचीत के बाद ही बुआ लखनऊ से सीधे कॉलेज पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक इस रेप केस में मुख्य साजिशकर्ता लड़की की बुआ ही है। नवाब सिंह के भाई ने लालच देकर बयान से पलटने और कुछ लोगों के नाम लेने की बात भी कही है। अब पुलिस आरोपी बुआ को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की अपील करेगी। तो पुलिस ने इस मामले पर बुआ को मुख्य आरोपी बनाया है। सर, आरोपी बुआ गिरफ्तार हो गई है। 12 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें एक लड़की ने सूचना दी कि उसका टॉप उतार दिया गया और गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए यूपी 112 की पीआरवी और थाना कन्नौज की पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया जिसने टॉप नहीं पहना हुआ था। और आपत्तिजनक अवस्था में इसमें अभियुक्त नवाब सिंह यादव को पकड़ा गया। तत्काल थाना कन्नौज पुलिस पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तत्समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी, वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ वो विघ्न डालने लगे। और अगले दिन जब लड़की के माता पिता थाने पर आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहाँ पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया है कि इनके नवाब सिंह यादव से पिछले 5-6 सालों से संबंध है, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तब ये लखनऊ में थी। इन्होंने बताया कि मैं लखनऊ में और मेरे साथ मेरी भतीजी भी है, तो दोनों को आने के लिए नवाब सिंह यादव ने इन्हें बताया। ये रात्रि में इनके विद्यालय पहुंचे, जहां पर ये दुष्कर्म की घटना हुई। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने पूछताछ में ये भी बताया कि जो इसमें अभियुक्त है उसके भाई ने इनको जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पर प्रलोभन दिया गया था कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराया जाए और बयान ना हो तो इनको पैसे दिए जाएंगे और इससे अभियुक्त को फायदा होगा, और साथ ही कुछ लोगों के नाम लिए जाए जिससे कि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कोई और भी गिरफ्तारी अभी बाकी है क्या? कोई और भी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जाएगी क्या? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नवाब सिंह यादव, इसको गिरफ्तार कर 12 तारीख को जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो वांछित जो लड़की की बुआ चल रही थी उसको भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो तथ्य है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला ये बन गया है, तो बुआ की तरफ से और क्या जानकारी आप लोगों को मिली पूछताछ में? इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें इनके पूर्व से जो नवाब सिंह यादव के साथ संबंध थे और इनका लखनऊ में उस दिन होना, इनको फोन करके यहाँ बुलाया जाना, उसके बाद दुष्कर्म की घटना होना, पहले तो लड़की का साथ इनका सहयोग देना, बट लेकिन जब इन्हें प्रलोभन मिला और पहले से भी इनके जो संबंध थे नवाब सिंह यादव, जिसके कारण इन्होंने ये पलट गए और इसीलिए ये इस केस में सहभियुक्ता भी बनी, जिसके कारण इनकी आज गिरफ्तारी की गई है। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उसे अवगत कराया जाएगा। रेप केस की पीड़िता की बुआ आज सुबह जो गिरफ्तार हुई है उस पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तारी की है इसकी।
अब अपने मायके भागने की फिराक में थी ये महिला। रामपुर बिनोरा गांव जा रही थी बुआ, रास्ते से ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी बनाई गई है पुलिस की तरफ से बुआ। सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी की गई है। नाबालिग भतीजी से रेप के आरोप में बुआ पर साजिश का आरोप है। नवाब सिंह यादव इस मामले पर न्यायिक हिरासत में पहले से ही लिया हुआ है। अब पीड़िता की बुआ जो है उसकी सहयोगी है, इसलिए वो भी मुख्य आरोपी पुलिस की तरफ से बनाई गई है। लोकेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। लोकेश, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी आप कह सकते हैं इस मामले पर। देखिए, बुआ जो पहले ही इस मामले में नवाब सिंह यादव का बचाव करती हुई, उन पर आरोप लगाने की बजाय बचाव करती हुई नजर आई हैं, तो सीधे तौर पर पुलिस ने इसी वजह से इस महिला को धर दबोचा और मुख्य आरोपी भी बनाया है। क्या अपडेट्स हैं इस मामले पर? और थी उस समय ये बुआ वहाँ मौके पर मिली थी और बुआ के साथ ही ये बच्ची आई हुई थी, जिसके बाद में पुलिस बच्ची को ले गई और वहाँ उसका डॉक्टरी कराने के लिए गई, तो वहाँ पे ये महिला बदल गई, जिसके बाद पुलिस का तक गहराता चला गया इस बुआ के ऊपर। जिसके बाद ये बुआ जो है वो मीडिया के सामने आई और बताया कि नहीं, इसमें कुछ और लोगों के नाम लिए जो कि वो लोग उनके द्वारा ये साजिश करवाई गई थी, लेकिन पुलिस जो है इसमें पूरी तरीके से पड़ताल कर रही थी। जिसके बाद में उसके बाद बुआ जो है वो फरार हो गई। फरार होने के बाद पुलिस 7 दिन से तलाश कर रही थी, आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के साथ में कई अहम बातें भी निकल कर सामने आई हैं। उस बुआ ने बताया है कि उसके पहले से ही नवाब सिंह के साथ संबंध थे और वह जो है इस लड़की को भी लेकर वही आई थी, तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके महिला को अब कोर्ट न्यायालय। लोकेश, शुक्रिया।